Hey guys, good morning and welcome back to my channel Roller Coaster Life. तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और मैं आधा घंटा लेट हूँ क्योंकि 5 बजे हैं और बहुत सारा काम है. तो चलो पहले सबसे पहले डिश वॉशर जमाते हैं. और एक बात और बताऊं, कितनी भी क्लैटर क्लीन कर लो, 2-3 दिन में घर वापस उसी स्थिति पे आ जाता है. तो पहले चाय पीती हूँ, फिर चाय पी के सोच रही हूँ कि बाथरूम के पीछे का खजाना समेट लूँ या फिर किचन का कर लूँ. बट लेट मी हैव टी फर्स्ट. प्लान चेंज, चाय डन है, कपड़े कैन वेट, एन उठेगा तो उसके साथ बैठे बैठे भी समेट सकती हूँ. पहले किचन का काम, वो सब काम छोड़ के एन इज अब तो पहले इसकी मालिश. बच्चे हैं मुझे पता है, बट एयान उठ गया था, फटाफट इनको जमाना है. और एयान जस्ट सोया है वापस से. आई एम सो सॉरी, मेरे को ना खुद का चेहरा खुद को अच्छा नहीं लगता कैमरे पे देखने में, बाल लुक रही है. प्लीज़ कमेंट करके बताना कटवा लूँ क्या. सीरियसली मेरा बड़ा मन हो रहा है, मतलब मैं 90% तो कटवा ही लूँगी. तो अर्पित का कॉल चल रहा है, लंच के लिए पूछने गई थी. फाइल लॉन्ड्री लगा देते हैं, दाल गरम तो कर लेते हैं, अर्पित नहीं तो अपन तो खा ही लेंगे आयान के उठने से पहले. दिस इज अ वेरी नाइस डे. और ना अभी एक इंसिडेंट हुआ, जब बच्चा सो जाता है ना तो हम काम करते हैं ऐसे ऐसे ना धीरे धीरे सामान उठा उठा के रखते हैं. और अर्पित जैन है ना, क्या क्या किया अभी, क्या किया, क्या है, मेरे को मत ले रहे भाई. भाई सो गया वो, उसको ना ऐसे थपका, उसके कुछ नहीं होता. जब वो मसकने लगा ना तो एक बार वो फुल उसमें सो जाता है नींदों में, फिर उसका कुछ नहीं. तो अभी मसकने लगा था, खुद की फटी थी ना, फिर कुछ नहीं आता भाई, सो गया वो पूरा. हम ज्यादा इतनी मेहनत से सुलाया तो आप ही ने. मीन वाइज पीछे की बेडशीट चेंज कर दी, पिलो कवर उतार तो दिए, पता नहीं अब इसको चढ़ने में कितने. देखो हिल रहा है, देखो हिल रहा है. क्यों थपकाया इतनी जोर से कि वो उठ जाए. अब लगी अर्पित जैन की मिर्ची. और यार उठा के चले गए यार, वो अच्छे वाला सो रहा था, मेरे को काम करने है यार. दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे. बड़ी मुश्किल से कल कपड़े जो सिमट गए थे वो आधे कल रख दिए थे, आधे आज जमाए हैं. आयान सोया है, ये कोल की थैली है, जो मेरे गिफ्ट थे वो थोड़े बड़े साइज के थे तो उनका क्या, उनका साइज चेंज करवाना है तो इसको साइड में रखा है. बेडशीट अंदर की धुलने डाली है तो बाहर की भी डाल देते हैं. यहाँ ट्रैश रूम में ये होता है, इसको खोल के इसमें आप अपना कचरा डाल सकते हो, जो मैंने अभी डाल दिया. बहुत बड़ा कॉम्पैक्ट रूम बना हुआ है, उसमें वो जाता है. और लिटरली मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया, हमने हमारा सोफा डिस्कार्ड किया था. नानी याद आ गई थी हम दोनों को, लिटरली नानी याद आ गई थी. लिफ्ट से हम जैसे तैसे उस रूम में घुसाया था. मतलब मुझे शूट करना चाहिए था वाला पार्ट, बट मैं भूल के आ गई. आयान भी सो रहा था एंड नहीं कर पाए. देखो भाई एयान वापस कुलमुल कुलमुल हो रहा है. मुझे ना कपड़े समेटने हैं, तो बेसिकली यहाँ सिस्टम क्या होता है, वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों होता है. मैं जनरली ड्राई नहीं करना प्रेफर करती, क्योंकि ना ड्रायर में ना कपड़ों के रवे इकट्ठे हो जाते हैं ड्रायर में, मतलब वो खींच लेता है. मैं अभी बड़ी चीज़ें कर देती हूँ, लाइक बेडशीट्स वगैरह मैंने अभी लगाई है, मैं ड्राई करके दिखाऊंगी. बिल्कुल ऐसी नहीं करती कि आप वापस बिछा सकते हो, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या चीज़ बोलना चाहती हूँ. तो जनरली मैं सुखा देती हूँ. यहाँ पे बैल्कनी में सुखाना अलाउ नहीं होता बिकॉज इट्स इलीगल,
लुक खराब होता है, कोई भी आपको स्यू कर सकता है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो मैंने ड्राइंग रैक जब भी लगाती हूँ लॉन्ड्री तो यहीं लगा देती हूँ। अब समेटने हैं बट मुझे लगता नहीं है कि अभी मैं इनके चलते समेट पाऊंगी। सो ही इज फेड बट नॉट स्लीपी एट ऑल एंड मेरे को इतनी क्यूट सी स्माइल मत दो तुम, समझे? आई एम सो टायर्ड। मैं सुबह 6:30 बजे की उठी हुई हूँ, लिटरली 4:45 बजे, और ना इतना तेज़ थकान हो रही है ना, मेरे को बहुत सारा काम दिख रहा है, पता है पढ़ा है, बट पढ़ा है तो पढ़ा है, बाद में हो जाएगा। बट मेरे को ना अभी लिटरली सोना है, मतलब हेडेक हो रहा है, ये जग रहा है और मेरे को बहुत प्यारी प्यारी स्माइल दे रहा है। मत दे मत दे। हाँ तो, और आजकल ना यहाँ दिन जल्दी ढल जाता है, तो इट्स लाइक 5 बजे तक ना काफ़ी अंधेरा हो जाता है, 4 तो बजने ही वाले हैं, तो मैं नैप कब लेऊंगा? बहुत ही ग्लूमी ग्लूमी डेज लगता है, बहुत ही डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है। तो आज नींद मेरे नसीब में नहीं थी, 5:20 हो रहे हैं अब जाकर सोया है, और अब हो गया शाम के खाने का टाइम, और ये चाय बनाने का टाइम। सो या अभी जो आपने देखा ना मिक्सी में मैंने बनाया, वो एक्चुअली मेरी मम्मा मेरे पीछे पड़ी हुई थी बहुत टाइम से मेरी हालत देख के। शी सेड सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके उसको ना पाउडर बना के, या तो दूध में ले ले या पानी में ले ले, जैसे ले सकती ले ले, इट इज़ हेल्दी और थोड़ा स्टेमिना भी देंगे। तो मैंने वो कर लिया, मम्मी आपने देख लिया होगा, आई डिड दैट। प्लस मैं ड्रायर की बात कर रही थी, तो ये बिल्कुल ड्राई चदरे हैं, एंड वन सेकेंड में अभी ये ना देखो, ये तो अभी कपड़े कम थे, बट ये पूरा देखो, ये ना हर ड्राई करने के बाद ना ये हटाना पड़ता है, तो क्योंकि ना मैं इतने टाइम से कपड़े वॉश और ड्राई करती थी, इनफैक्ट अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती, जब करना पड़ता है तो मैं करती हूँ, बट आई प्रेफर लेस, मैं सुखाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो बात है। बिकॉज वो मॉइस्चर सोक करता है, तो ऑफकोर्स कपड़े का कुछ ना कुछ रवा तो ले ही लेता होगा, बट बड़ी चादर एंड ऑल आई यूजली ड्राई, और छोटे कपड़े भी जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो आई डू ड्राई। तो ना ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज ना अयान बहुत ज़्यादा फसी हो रहा है, उसको नींद आ रही है बट वो सोना नहीं चाह रहा है। मैंने ना एक रील भी रिलीज़ किया इंस्टाग्राम पे, मुझे वहाँ फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, या कोई सजेशन है तो वो बता देना, एंड प्लीज शेयर करो ना यार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। मेरे 675 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, प्लीज़ फटाफट से 1000 करवा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।